और सुनील कुमार सिंह जदयू के प्रवक्ता हैं, उनको मैं चेताना चाहता हूँ, अगड़ी पिछड़ी के जो राजनीति करते हैं उनमें आग में घी डालने का काम करते हैं। मोहन जी को और उनके बेटे चेतन आनंद जी को देखिए, आप संजोग से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए, दोनों एक ही पार्टी से आते हैं। आज कविता में उन्होंने कोई अनुचित नहीं बोला है, ये बात मैं दोबारा कहता हूँ। कोई किसी जाति का नेता हो जाए यह संभव नहीं, ऐसे लगातार आप बयान देखते होंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि से। कोई ना कोई नेता आते हैं, इस तरह का बयान दे देते हैं, बयानबाजी कर देते हैं ताकि वह मुद्दा में बने रहे, राजनीतिक गर्माहट बनी रहे। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था मनोज झा जी जो सांसद हैं, उन्होंने एक कविता पढ़ा था। कविता था चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुरों का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुरों का। यह कविता के बाद जो है पूरे राजनीतिक दलों में एक भूचाल समझ गया, विरोधी हावी हो गए। वहीं आरजेडी के पूर्व सांसद आनंद मोहन जी और उनके पुत्र चेतन आनंद जी, अब मनोज झा जी भी उसी दल से, आनंद मोहन जी भी उसी दल से, चेतन आनंद जी भी उसी दल से, अब क्यों भाई मच गया भूचाल, यह जानने की जरूरत है। और अब राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष सोना झा जी इस बयानबाजी के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इस एपिसोड में आप देखिए। मार्केट में ये मुद्दा चल रही है आदरणीय राज्यसभा सांसद मनोज झा जी और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के बारे में। देखिए, आप संजोग से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए, दोनों एक ही पार्टी से आते हैं, आरजेडी से आते हैं। अगड़ी पिछड़ी के जो राजनीति करते हैं उनमें आग में घी डालने का काम करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं अपने ब्राह्मण महासभा की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़िए और समाज को इसमें मत घसीटिए। आनंद मोहन जी को और उनके बेटे चेतन आनंद जी को और सुनील कुमार सिंह जदयू के प्रवक्ता हैं, उनको मैं चेताना चाहता हूँ, मतलब व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक लड़ाई मत तब्दील मत कीजिए। और एक से लड़ाई है, एक पे रखिए आप, अगर समाज को बीच में घसीटिएगा तो हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं, आपके ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कृपया आप शांति सौहार्द का जो माहौल है उसको खराब करने का काम ना करें, सामाजिक उन्माद पैदा ना करें। जहाँ तक मनोज झा जी का बयान है कि जिस संदर्भ में बोला गया है, महिला आरक्षण का मुद्दा चल रहा था संसद भवन में, उस परिपेक्ष में ओपी वाल्मीकि जी का एक चर्चित कविता था जिसको उन्होंने पाठ किया था। अब किस मतलब किस संदर्भ में नहीं किया और आनंद मोहन जी को क्यों ठाकुर शब्द से आपत्ति है, मैं इस बात में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मनोज झा जी भी ब्राह्मण वाले मंच पर खड़े नहीं होते हैं और अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानते हैं। वो एक जब भी ब्राह्मण की मुद्दा आती है तो हमेशा पार्टी के साथ खड़े होते हैं और अपने पार्टी का जो उनका स्टैंड होता है उन पे खड़े होते हैं, तो हम लोग उनका कतई समर्थन नहीं करते हैं। और कविता में उन्होंने कोई अनुचित नहीं बोला है, ये बात मैं दोबारा कहता हूँ कि उन्होंने जो कविता पढ़ी है उसमें कोई अनुचित नहीं है। और एक पढ़ा लिखा लोग जो भी इसका अगर निष्कर्ष निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सामंती व्यवस्था पर ठाकुर शब्द के रूप में चोट किया है। मैं आनंद मोहन जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने आगे या पीछे वो ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनको इतना क्यों लग गई? बिहार और बिहार के कोई राजपूत ऐसा बताए जो सरनेम में ठाकुर लगाते हैं? यानी कि आनंद मोहन और चेतन आनंद पढ़े लिखे नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से पढ़े लिखे मैं सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता हूँ कि पढ़े लिखे है या नहीं है। जिस तरह की बातें कर रहे हैं उस तरह से तो नहीं लगता है जो वो ये पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों को ऐसा बयान दे रहे हैं। मैं तो कभी नहीं बोला कि पढ़े लिखे हैं या नहीं है, ये तो सर्टिफिकेट है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बांटती है, हम कौन होते हैं बांटने वाले? आप बोल रहे हैं कि मनोज झा जी को हम समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि आप वो जो बोले हैं वो अनुचित बात भी नहीं। देखिए, मनोज झा जी को ब्राह्मण महासभा के तरफ से इसलिए समर्थन नहीं कर रहे हैं कि कोई भी ब्राह्मण वाले मुद्दे की जब बात होती है सड़क से सदन तक, कभी भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया है। यहाँ तक हम लोग में जनेऊ करना एक बहुत बड़ा पर्व कहा जाता है, तो उन्होंने ये बोला है कि हम अपने बच्चे का जनेऊ भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण हम जनेऊ कर रहे हैं। तो हमारा मनोज झा से कोई लेना देना नहीं है, मनोज झा क्या कर रहे नहीं नहीं कर, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते पूरे समाज को अगर आप गरियाने का काम करेंगे तो हमारा संगठन चुप नहीं बैठने वाली है। आपको मनोज झा से लड़ाई है, मनोज झा से डायरेक्ट लड़िए, आप व्यक्तिगत तौर पर लड़ाई लड़िए, अगर समाज को इसमें घसीटिएगा, ब्राह्मण अब भी जिंदा कौम है, कोई हाशिए पर नहीं गई है, हमारी एकजुटता ऐसा नहीं है कि बिखर गई है। आपको लगता है कि इनको आप तोड़ देंगे, अलग अलग भाग में तोड़ देंगे, ये आपकी मंशा कभी सफल होने वाली नहीं है।
जहाँ तक बात है, अभी भी ब्राह्मण में वो क्षमता है कि राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदल सकती है और अपने साथ दूसरे जाति को भी प्रभावित कर सकती है। आप जहाँ तक बात करते हैं उत्तर भारत में, आप जाति की बात करते हैं, आप जाइए दक्षिण भारत में, पूछिए राजपूत कौन है, कौन बताएगा? दो ही चीज़ चलती है, ब्राह्मण या दलित चलती है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मनोज झा की जो बयान था, उसी बयान को लेकर कुछ दिन पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव का लोग पुतला दहन भी किया गया था राजपूत समाज के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा, अगर आपको उस बयान से इतनी दिक्कत है तो अपने बेटे को आनंद मोहन जी क्यों नहीं बोलते हैं कि पार्टी छोड़ दे? आज तक उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अपनी सदस्यता से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपको सत्ता से भी प्रेम है, राजपूत जाति से भी प्रेम है, वो अपने आप को चाहते हैं, अपने बेटे को घूम घूम करके राजपूत जाति का स्वघोषित आपको वो चाहते हैं, वो जो उत्तराधिकारी बनाया जाए जो समाज एक्सेप्ट करेगी, तब ना आपको उसके समाज के लिए काम करना पड़ेगा, समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको उत्तराधिकारी बनेगा। ऐसे चाहेंगे आप जो बोल देंगे मेरा बेटा पूरे राजपूत समाज का ठेकेदार है, ऐसा नहीं होने वाला है। राजपूत समाज बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही मतलब इंडिया के इतिहास में जहाँ तक देखा जाए आज़ादी की लड़ाई से लेकर के मुगल जब तक थे, तो राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज ने मिलकर काम किया है और कंधे से कंधा मिला के काम किया है और कभी एक दूसरे के मतलब लड़े नहीं है, एक दूसरे के पूरक रहे हैं। आप चाहे बाजी राव की बात कर रहे हैं कि भला राव की बात कर ले, ये लोग सब आपस में एक साथ लड़े हैं। और एक मोहन का एक बयान है, वो बोल रहे हैं कि अगर हम संसद में होते तो उनका जीव निकाल के हम आसन पर उछालते, यही बयान का मैं बोलना चाहूंगा। और एक तरफ वो भी बोले हैं कि अंदर की ठाकुर मारना चाहिए, ये बात आनंद मोहन का भी कहना है, ये बात मनोज झा का भी कहना है, तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट माना जाएगा? देखिए ये राजनीतिक लोग के जो राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो इनको अच्छे से समझा सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की आसन की तरफ जीभ उछाल देते, आपको याद होगा कि आनंद मोहन जी को मार्शल के द्वारा सांसद से घसीट के ले जाया गया, यही बदजुबानी के कारण। इनकी क्या मर्यादा होती है, आसन की मर्यादा क्या होती है, क्या बोलना चाहिए, इस पर जब तक लगाम नहीं लगाएंगे तो आपको एक अच्छा नेता या अच्छा प्रतिनिधि के रूप में आपके समाज आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा इस सभी नेतागण अपनी राजनीति की रुपया सीखने के लिए अभी सभी जाति को मतलब ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज दोनों का एक दूसरे में लड़ रहे हैं, क्या कुछ? देखिए समाज कोई नहीं लड़ रहा है, कुछ सहयोगी आनंद मोहन जी के हैं, कुछ सहयोगी मनोज झा के हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं। समाज को बिल्कुल पता है और एक शिक्षित समाज है, राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज एक शिक्षित समाज है, प्रबुद्ध समाज है, और कौन से कविता का संदर्भ क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये हमको और आपको सिखाने की कोई मतलब समाज जरूरत नहीं है। वो अपने आप अर्थ निकाल लेंगे, इस कविता का अर्थ क्या है, किसके बिहाव पे कहा गया, इसका मतलब क्या है, संदर्भ क्या है। तो आनंद मोहन जी और यह आनंद या मनोज झा जी जो कहना चाहते हैं बिल्कुल इसमें यह है कि समाज में एक जातीय उन्माद फैलाना चाहती है, आगे लोकसभा चुनाव होने वाली है, इसके मद्देनजर रख करके सवर्णों में फूट डालने का काम करने के लिए ये लोग आपस में ये काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा क्या कुछ करेगी? राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ये अपील करती है कि इन दोनों के व्यक्तिगत लड़ाई में ना तो ब्राह्मण समाज के लोग और ना ही क्षत्रिय समाज के लोग आपस में लड़े, ये इनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, इनकी वर्चस्व की लड़ाई है, उत्तराधिकारी की लड़ाई है, आप इसमें मत पड़िए और समाज की सौहार्द एकता बनाकर अपना आप जैसे पहले थे उसी तरह रहें। अगर ये लड़ाई नहीं रुकता है तो आगे क्या करने वाले? देखिए आगे अगर ऐसा कुछ होता है, अगर दोबारा वो गलत तरीके की टिप्पणी करेंगे ब्राह्मण समाज के ऊपर, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, उनका पुतला दहन करेंगे, उनका जो है उनके घर के ऊपर काला धब्बा लगाया जाएगा, ऐसा नहीं हम लोग छोड़ने वाले हैं और किसी से डरते हैं। चलिए अपने ये काम तो राजपूत समाज के भी लोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उनको अगर बयान गलत है या अगर देखिए मैंने पहले ही बोला ये व्यक्तिगत लड़ाई है, इसको किसी जातीय लड़ाई पर आप सामाजिक लड़ाई के तौर पे मत देखिए, ये आनंद मोहन जी और मनोज झा जी के बीच की लड़ाई है, वो आपस में सब अपना सर है। तो किसी का नाम नहीं बोला उसने, वो बोले कि अंदर की ठाकुर को मारना चाहिए, यही तो समझने वाली बात है कि ये अगर किसी का नाम नहीं बोले वो, तो आनंद मोहन जी अपने ऊपर क्यों ले लिए, ये उनसे पूछा जाए, उनका जवाब बेहतर तरीके से देंगे। वो बोल रहे हैं कि ठाकुर समाज हमेशा दलित और गरीब के, एक बार उनसे आप लोग जा करके उनसे पूछिए, तलवार हमारी टूटी है और हम जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, और किए क्या है, पूरे उनके राजनीतिक करियर में यही हुआ है कि जान दिए हैं जान लिए हैं। उनसे पूछिए आप, जो आप जब आप कोसी क्षेत्र से आते हैं और हम भी वहीं से आते हैं, आप जब अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या ब्राह्मण समाज आपका साथ नहीं दिया, आपके हर फैसले के साथ हम खड़े थे,
आपको जहाँ पे जिसकी जरूरत पड़ती थी हमारे समाज के लोग हर एक चीज तन मन धन लेके खड़ा होता था, आज ऐसा क्या हो गया जो ब्राह्मणों के खिलाफ आग उगलने लगे? क्या चाहते हैं आप? तो क्या लगता है दोनों एक ही पार्टी के हो करके और आपस में लड़ रहे हैं? लालू जयदीप जी से ये सवाल पूछा गया तो बोले कि ये सब गुर्बत बना वाला बात है। देखिए एक ही पार्टी के हैं या नहीं है हमें उससे टिप्पणी नहीं करना है, हमें ये करना है कि जहाँ हम ब्राह्मण महासभा के एक युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपने अपने जो महासभा है ट्रस्ट है मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, पार्टी के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। हम ब्राह्मण समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे कोई भी। मेरा नाम सोना झा है, मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अनुमान लग गया होगा कि किस तरह से राजनीतिक गर्माहट बनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार आप देखते हो और देखते रहे होंगे कि इसी तरह से कोई नेता आते हैं इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं ताकि जो भी जातिगत रणनीति चुनाव का होता है वह उसको निखारा जाए। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।